वज़ीर इत्तला'आत शिबली फराज, वफाकी वज़ीर असद उमर और मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि कराची को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते, शहर कायद को माफिया से निजात दिलाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि सिंध हुकूमत ने 12 साल तवील इक्तदार में शहर कायद को तबाह हाल किया, कराची के अवाम को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने अपने ट्वीट में कहा कि कराची पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, कराची के मसाइल हमारे मसाइल हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान कराची की रौनकें और बतौर सनअती शहर शनाख्त बहाल करने के लिए पुरअज़्म हैं। उधर वफाकी वजीर असद उमर ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में कहा कि रियासत के तमाम अनासर की जानिब से कोरोना से निमटने के लिए काविशें की गई हैं, यही तरीका एकार कराची के मसाइल को हल करने के लिए रखा जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ कामयाबी को आलमी सतह पर सराहा गया, अब मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची की बहाली भी होगी, पाकिस्तान की फतूहत का आगाज हो चुका है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मौने खुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल कहते हैं कि आज कराची के लिए बड़ा दिन है और एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए एक बयान में शहबाज गिल ने कहा कि माफिया ने कराची की किस्मत में गंदा पानी, कचरा, कब्जा माफिया और बदतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिख कर रख दिया था, लेकिन इमरान खान कराची को माफिया से निजात दिलाएंगे।